एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत का मूल्य बताइए। अब देखो, माना बल्ले की कीमत 1 रुपया है, माना बल्ले की कीमत बराबर 1 रुपये तथा गेंद की कीमत बराबर ₹y, तो 7 बल्ले 6 गेंद, तो 1 बल्ले की कीमत है 6 रुपये, तो 7 एक गेंद की कीमत है ₹y। अब देखो, तो 7 बल्ले की कीमत होगी क्या? देखो, 7 बल्ले कीमत होगी 7x प्लस 6 गेंद की कीमत होगी 6y, कितने रुपए की? 3800 रुपये की। अब इसी प्रकार देखो, उसने 3 बल्ले, बाद में 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंदे 5y, कितने रुपये में खरीदे हैं? 1750 रुपये में। समीकरण 2, तो ठीक है। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान, अब x बराबर देखो 38 डबल 0 माइनस 6y बटे 7। अब देखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो इसको आगे देखते हैं। अब देखो, समीकरण 2 दी थी ये, तो एक्स का मान है 3 रुपये, एक्स के ऊपर रखेंगे 38 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब देखो, इसकी गुणा कर देंगे, अंदर 8 3 24 00, 3 3 9 9 2 11 माइनस 6 3 18y प्लस 35y, 7 के गुणा कर देंगे 0, 7 5 35 का 3, 749 49 3 52 का 5, 7 और 7 5 12। इधर देखो, 1750 गुणे 5 करो 7 करोगे तो 0, 7 5 35 का 3, ठीक है, 749 49 3 52 का 5, 7 1 7 7 5 12, ठीक है, इधर कर लेना। अब देखो, माइनस 18y प्लस 35y कितना होगा? 17y, ठीक। अब देखो, 12 2 50 माइनस 11 400 घटा देंगे इसमें से, तो 17y कितना बचेगा? देखो इधर, देखो हम घटा रहे हैं, इधर कितना? 11 400, 0 5 8 4 12, ये 0 0, ठीक। तो y बराबर 850 बटा 17, 17 5 85, 1 0 पड़ जाएगा ना, तो y बराबर बराबर आपका आएगा 50। अब देखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 यही थी, अब इसे यहाँ पे रख दो। देखो, अब आप क्या आ जाएगी, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब इसे हम पुट करेंगे, एक्स बराबर 38 60, ठीक, तो एक्स बराबर देखो 38 माइनस 6 गुणा 50 बटा 7, एक्स बराबर 6 5 30 300 बटे 7 बराबर आ गया 3500 बटा 7, तो एक्स बराबर आएगा 500। अब देखो, वाई बराबर आएगा 500, अब देखो वाई बराबर आएगा 500। अब हमने देखो क्या माना था, अतः 1 बल्ले की कीमत है, अब देखो एक्स एक्स हमने बल्ला माना माना था, अब बल्ले की कीमत है
एक बल्ले की कीमत है x माना था तो 500, ठीक। एक गेंद की कीमत है 50 रुपये, ठीक। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगता है, सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना कितना भाड़ा देना होगा, देखते हैं। नियत भाड़ा, अब देखो माना नियत भाड़ा ₹1 है, ठीक है, तथा अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर ₹Y। अब देखो कह रहा है कि नियत भाड़ा द प्लस 10 किलोमीटर की दूरी, जब 1 किलोमीटर का ₹Y तो 10 किलोमीटर का 10Y बराबर 105 रुपये लेता है। ये बन गई समीकरण एक। दूसरे में कहते हैं नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर तक जाता है तो 15Y बराबर 155। तो इसको समीकरण दोनों को हल करते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन इससे ही हमें हल करना है। समीकरण एक से एक्स का मान, अब देखो समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर, तो एक्स का मान क्या है, एक्स बराबर 105 माइनस 10Y। अब देखो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, इसे समीकरण तीन मान, ठीक है। अब देखो एक्स का मान कितना था, समीकरण दो तुम्हारी ये दी थी, अब इसे हम रख देंगे समी एक्स यहाँ पर 105 माइनस 10Y प्लस 15Y बराबर 155। अब देखो 5Y सॉल्व करेंगे बराबर 155, 105 इधर माइनस का हो जाएगा तो y बराबर 155 से 105 जाएगा तो आएगा 50, तो y बराबर आपका आएगा 10। अब देखो y का मान समीकरण तीन में रखने पर, यहाँ देखो लिख के दे रहे हैं y का मान समीकरण तीन में रखने पर, अब ती समीकरण तीन ये थी, देखो एक्स बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, एक्स बराबर 105 माइनस 100, एक्स बराबर आपकी आई 5। तो अब देखो इसमें हमने क्या निकाला है कि भाड़ा देखो हमारा कितना है भाड़ा, अब कह रहा था कि 25 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, सॉरी रुपये भाड़ा 25 किलोमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर जाने में से ये लेता है 10 रुपये 1 किलोमीटर जाने में, प्लस 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता है तो अतिरिक्त भाड़ा देखो, अतिरिक्त भाड़ा प्लस नियत भाड़ा, नियत भाड़ा आपका ये था, नियत भाड़ा 5 रुपये लेता है, 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपये लेता है, ठीक। अब देखो 25 गुणा 10 205 प्लस 5 आपका आंसर आएगा 255 रुपये। अतः हमने जाना 25 किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर जाने में
₹255 लगेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, माना अंश, एक्स है तो हर वाई है। इस प्रकार से बनी भिन्न x/y। अब कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न है ना, x/y, अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बन जाएगी आपकी 9/11, समीकरण 1। अब दूसरे में कह रहे हैं कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 प्लस हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपकी बचे बन जाएगी 5/6, समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 को पहले हम हल करते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 को जब हल करेंगे, इधर यहीं हल कर ले रहे हैं, देखो हल करते हैं, 11 से इधर मल्टीपल करेंगे तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, तो आप क्या आएगी, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, तो 11x बराबर आएगा माइनस 4 प्लस 9y, तो x बराबर आएगा माइनस 4 प्लस 9y 11। यह समीकरण बन गई आपकी 3। ठीक है, ठीक। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 को हल करते हैं। इधर आ जाओ आप, देखिए, अब देखिए 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ठीक, अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान 4 में रखने पर समीकरण 4 हमारी आपकी यही थी, तो 6-4 प्लस 9y/11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3 माइनस का 24 प्लस 54y बराबर 55y माइनस 55y माइनस का 33। इस प्रकार से हमने y बराबर 9 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब ने देखो y का मान हमने निकाला, y का मान क्या है, 9। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखना, समीकरण हमने देखी थी x बराबर माइनस 4 प्लस 9y/11। ठीक है, आराम से हम हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो अब देखो x हम रखेंगे माइनस 4 प्लस 9/9/11, एक्स बराबर माइनस 4 प्लस 81/11। ठीक, आगे हम देखो नाइपेस पर देखते हैं, अब हमें देखो x बराबर 77/11 आया। ठीक, तो x बराबर कैंसिल कर देंगे तो 7, x बराबर आपका आया 7। हमने भिन्न क्या देखी थी, भिन्न थी आपकी x/y। अब देखो x का मान कितना है, 7, y का मान नीचे पहले पीछे में क्या निकाल चुके हैं, 9, तो 7/9 आपकी भिन्न आई। ठीक है, क्या आएगी, 7/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट बचा, हम उसको देख लेंगे, देखते हैं। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हम लगाते हैं, अब देखो माना पुत्र की आयु
माना पुत्र, देखो माना पुत्र की आयु एक्स है तथा जैकब की आयु, तो जैकब इसका पिता है, जैकब की आयु होगी वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखो हम ना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एक्सप्रेस 5। देखो अगर 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है हम आगे जाएंगे, और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वाई प्लस 5। ठीक है, अब करके 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद जैकब वाई प्लस 5 वर्ष बाद वाई प्लस 5 बराबर 3 गुनी था अपने पुत्र की आयु से। ये बन गई समीकरण, एक इसका अमल कर लेंगे, y बराबर 3x+15, y को माना जाएगा y बराबर आएगा 3x+10। अब मान लो इसको हम समीकरण एक ही मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, जैसे आज x चल रही तो पूर्व, तो x-5, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र x-5, अतः जैकब y-5। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, y-5 = 7 गुनी x-5, उस पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो y-5 = 7x-35, तो y = 7x-35 प्लस 5, तो y = 7x+30। ठीक है, अब देखो ये समीकरण बनी है आपके 3, अब y का मान इसमें रख देंगे, तो y बराबर कितना दिया था, 3x+10 = 7x+3, तो आएगा -4x = 30 - 10 - 4x = 20। देखो हमने यहाँ पे गलत, आओ देख दो इसको हम करते हैं, तो y बराबर आएगा 7x- का 35, y y बराबर 7x-35 प्लस 5 था ना, तो माइनस का 35 है, तो माइनस का 30 बचेगा, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने प्लस कर दिया। ठीक, तो y बराबर 7x-30। ठीक है, अब देखो इसमें समीकरण दो का मान रख देंगे, समीकरण दो थी y बराबर 3x+10, तो y बराबर 3x 7x-30 3x+10 है, तो 3x-7x = -30 - 10 - 4x = -40 - 4x / -4 -5 प्लस, तो एक्स बराबर आएगा आपका 10। देखो एक्स बराबर 10, अब एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर एक्स का मान समीकरण दो में रखने रखने पर अब समीकरण दो आपकी क्या थी, वाई बराबर 3x+10, तो वाई बराबर 3x 3 × 10 + 10 30 + 10, तो वाई बराबर आप क्या आएगा 40। अब देखो वाई कौन था, जैकब था, जैकब जैकब की आयु आएगी 40, अब पुत्र की आएगी आयु 10 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।